हेलो गाइस, आई एम अमन कुमार फ्रॉम टीम वानशाला। टुडे वी आर गोइंग टू शेयर हाउ टू डू डैश वोल्ट। सो आई एम टेकिंग नितिश अगेन। सो नितिश के साथ हम लोग आज डैश वोल्ट करेंगे। सो मैं उसका बेसिक, उसकी कंडीशनिंग और उसके जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में शेयर करेंगे आप लोगों को, सो दैट कि आप लोग इजीली इसको कुछ स्टेप्स में सीख पाएँ। सो डैश वोल्ट में सबसे पहले आपको अपना जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्स्टेकल है उसको रिकग्नाइज करना है कि उसकी हाइट क्या होंगी। तो एक आइडियल हाइट जो होता है वो आपके वेस्ट साइज का होता है, उससे थोड़ा ऊपर भी रख सकते हो आप या थोड़ा नीचे भी, बट बहुत ज़्यादा नीचे स्टार्टिंग में नहीं चूज करना है। तो ये जो साइज आप देख रहे हो ये मेरे वेस्ट लेवल का साइज है। इसकी हाइट ऑलमोस्ट 3 फीट के आसपास होंगी और इसके ऊपर हम अब डैश वोल्ट करेंगे। दूसरा कि जब भी आप इसको यू नो बेसिक सीख रहे हैं तो आपको ये देखना है कि ये थोड़ा वाइड लेंथ में हो, ये बहुत पतला ना हो, पाइप ना हो। बेसिक प्रैक्टिस आप ऐसे सरफेस पे करो जहां आपके हैंड इजली रख पाओ, आप इजली इसको ग्रिप कर पाए, इजली इससे फोर्स ले पाओ। तो इतना इनफ स्पेस होना चाहिए उस ऑब्स्टेकल में। सो डैश वोल्ट में सबसे पहले 2-3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं कि आपके शोल्डर की कंडीशनिंग इनफ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो रेगुलर प्रैक्टिस में हो। आप अगर आप इसकी एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर इन चीज़ों को अटेम्प्ट करने में आसान होगा। इसके लिए कुछ बेसिक ड्रिल्स हैं जो मैं आपको अभी ग्राउंड पे करके दिखाऊंगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। उसमें जब आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को यूज कर पाएंगे। सो मैं आपको एक ड्रिल दिखाता हूँ, दिस इज टेबल वॉक। इसमें आपको हैंड्स फ्रंट रखना है, हैंड हमेशा फ्रंट रखेंगे, नॉट लाइक दिस, क्योंकि आप डैश वोल्ट में भी हैंड ऐसे फ्रंट यूज करेंगे। सो ये पोजीशन हो और आप इसके ऊपर वेट लेंगे और धीरे धीरे इसको आप प्रैक्टिस करेंगे 50 मीटर 100 मीटर जितना आप प्रैक्टिस कर पाएँ, सो दैट कि इस ड्रिल में आप कंफर्टेबल फील करें। सो इस ड्रिल में पर्टिकुलर आप 3-4 डायरेक्शन आप यू नो जा सकते हो, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी जा सकते हैं, साइडवेज भी जा सकते हैं। सपोज फॉरवर्ड गए, बैकवर्ड गए, साइडवेज गए, फिर दूसरे साइड गए, तो इस तरीके से आप अपने शोल्डर को यूज टू करेंगे, सो दैट कि इसकी मोबिलिटीज, फ्लेक्सिबिलिटी, धीरे धीरे यहाँ के जो मसल हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग अच्छे से हो। इसी में फिर क्या है कि आपको डीप लगाना है, सो आप इसी पोजीशन में धीरे धीरे यू नो इसको यूज टू कीजिए। आप ग्राउंड पे भी इसको कर सकते हैं, किसी हाइट को भी यूज कर सकते हैं आप, सो दैट कि मसल की कंडीशनिंग अच्छी हो, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, सो दैट कि जब आप डैश वोल्ट में अपने दोनों हैंड को रख के पुश लेंगे तो इस पर एक वेट आता है, तो उस वेट के टाइम आपको कोई इंजुरी ना हो। तो इसकी प्रैक्टिस इतने अच्छे से करें कि आप बहुत कंफर्टेबल फील हो ये सारे ड्रिल्स में। ओके, नेक्स्ट, अब इसके लिए कुछ कोर की ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। कोर की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि जब आप इसमें एक वेव बनाते हो तो पहले आप जंप लेते हो, दोनों लेग्स आगे जाते हैं, ऑलमोस्ट एल के पोजीशन में बॉडी होता है, तो उसमें आपका कोर इंगेज होता है, तो कोर की भी एक अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए सो दैट कि आप उसको वहाँ पे यूज कर पाएँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नी टू चेस्ट, यहाँ से आगे थ्रो करना। सो थ्रो किए, चेस्ट पे लाए, थ्रो चेस्ट पे लाए, थ्रो चेस्ट पे लाए। सो ये जो थ्रोइंग है ये आपको वहाँ पे यूज भी करना है। इसको आप ग्राउंड पे भी ट्रेन कर सकते हैं, इसको आप हाइट पे भी ट्रेन कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको दिखाता हूँ सो दैट कि आप हाइट पे इसको ईजिली कर पाएँ। सपोज ये हाइट मैंने ले लिया, इसके ऊपर आपको क्या प्रैक्टिस करना है, नी को चेस्ट के ऊपर लाना है, थ्रो करना है, अप थ्रो, अप थ्रो। तो ये प्रैक्टिस थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए इसमें, सो दैट कि आपका इनफ ट्राइसेप्स भी यूज हो पाए, कोर इंगेज हो पाए और जब आप डैश वोल्ट करें तो बहुत स्मूथ दिखे। हम लोग जो ये कंडीशनिंग कर रहे हैं ये आप अपने लेग को थ्रो करने के लिए, अपने
बैक को लिफ्ट करके जब आप कोर को कोर से थ्रो करोगे लेग्स को, तो आप अच्छे से डिस्टेंस गेन कर पाएंगे और जो एक वेव बनता है डैश वोल्ट में, उस वेव को आप अच्छे से मतलब एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इसकी कंडीशनिंग के लिए आपको नी टू चेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। आप इसी पोजिशन में यू नो वॉक कीजिए, क्लैपिंग कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हो। इसमें बहुत वेरिएशन है जिसको आप प्रैक्टिस करके अपने कोर को ट्रेन कर सकते हैं। ऐसे कोर ट्रेन करने के और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जिसको आप कर सकते हो, बट ये अगर इस तरीके से करते हैं तो और ज़्यादा हेल्प करेगा उस मूवमेंट के लिए। अब हम इसके नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे आते हैं। हमने कंडीशनिंग किया, ड्रिल्स किए, अब कुछ जंप्स ऐड करने हैं इसमें। जंप्स इतना हो सो दैट कि आप इसको क्रॉस कर पाएँ ईजिली। तो इसमें दो जंप हैं जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए कि आप टेक ऑफ लेके नी को चेस्ट पे लाएं और फिर नीचे लैंड करेंगे। सो लाइक दिस, आप जंप ले रहे हो, जंप नी टू चेस्ट एंड लैंडिंग। दूसरा जंप जो कि पाइक जंप है, उसको जिम्नास्टिक में पाइक बोलते हैं, कि आप जंप लेंगे, दोनों लेग को आगे की तरफ स्विच करेंगे। सो जंप लेंगे, दोनों लेग आगे और लैंडिंग। तो अब इसमें धीरे धीरे लेग्स को स्ट्रेट करना है आगे की तरफ। अब इस दो जंप के बाद हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जंप करेंगे और लैंड करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको, जब तक आप कंफर्टेबल ना हो इस हाइट के लिए, तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सो आप जंप लेंगे, जंप लेने के बाद दोनों पैर लैंडिंग में, जंप दोनों पैर लैंडिंग में। तो अब हमें इस ऑब्स्टेकल से जब हम टेक ऑफ लेते हैं तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, ये चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। सो आपका एक लेग का डिस्टेंस कितना होगा, लाइक दिस मच। तो आप श्योर रखेंगे कि इतने पोजीशन में आपका यहाँ पे ये मार्क होगा और यहाँ से आप टेक ऑफ लेंगे, तो मेक श्योर कि ऑलमोस्ट इतना डिस्टेंस आप लें सो दैट कि आप इस पार्ट को ईजिली इसके ऊपर से ले जा पाएँ। अगर आप क्लोज आते हैं और अगर टेक ऑफ लेते हैं तो आपका नी आगे की तरफ ड्राइव हो नहीं पाएगा, इसीलिए आपको थोड़ा दूर से टेक ऑफ लेना, इतना आप डिस्टेंस मैनेज रखिएगा। अब हम इसको डिवाइड कर दिए एक जंप में, और अब दूसरा जंप से फिर हम आगे कैसे जाएंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सेकंड आप डिवाइड देखते हैं, आपने जंप किया, इसके ऊपर लैंड किए, अब वन हैंड लगाना है, फिर लेग को आगे निकालना है, फिर दूसरा हैंड निकालना है। सो लाइक दिस, इसको कम से कम 20-30 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। जब इसमें आप इसको स्मूथ बना देंगे फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। इसको एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं, जंप हैंड रखे, यहाँ से लेग थ्रो एंड दूसरा। सो इसके लिए मैं अब आपको एक लेजी वोल्ट दिखाता हूँ जिसका प्रोग्रेशन है डैश वोल्ट के लिए। ये तो आपने देखा कि ये लेजी वोल्ट था और ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेशन है आपको डैश वोल्ट अचीव करने के लिए। तो लेजी वोल्ट का हम लोगों ने ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना रखा है, उसको देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके, सो लेजी वोल्ट में हम मोस्टली साइड से मूव करते हैं। अब धीरे धीरे क्या करना है, जब आप इसमें स्मूथ हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, तो धीरे धीरे एंगल चेंज करना है। सो अभी आप साइड से जा रहे हैं, फिर थोड़ा साइड आए, फिर धीरे धीरे फ्रंट से। तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, मैंने साइड से किया था, अब मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूँ। सो इट्स बेसिकली लाइक चीट करना है यहाँ पे, थोड़ा सा चीट वोल्ट। सो साइड से गए थ्रो, अब फिर मैं और एंगल चेंज करता हूँ, अब मैं सेम थिंग यहाँ से करता हूँ, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। अब यहाँ से गए जंप चेंज, और फिर धीरे धीरे इसको एक स्ट्रेट लाइन में ला के बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। सेम मूवमेंट करना है, सो यहाँ से गए जंप साइड। लेजी वोल्ट के बाद अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे जाते हैं। जब हम डैश के लिए अब जंप लेंगे तो इसमें एक लेग को आपको थ्रो करना और एक लेग का सपोर्ट रखना है। अभी एक बार देखिए, ओके नाउ इम्पॉर्टेंट जंप।
अब आपको अपने ऑब्स्टिकल, जो भी आपने ऑब्जेक्ट चूज किया है, उसकी जो भी हाइट है, अब आपको उसके ऊपर से हाई जंप करके निकलना है, जो कि आप लोगों को बेसिक मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जंप में आपको टक करना है, और एक लेग थ्रो के बारे में बताया था। अब इसको यहाँ पे यूज करते हैं, देखिए। तो ये जंप देखा कि मैं हाइट के ऊपर से अब निकल रहा हूँ, तो ये जंप प्रैक्टिस करना है। अगर लगता है कि आप इतने हाइट पे नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा बहुत हाइट आप कम भी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। तो इसकी प्रैक्टिस करके इसको स्मूथ बनाना है आपको। तो इस हाइट के जंप के बाद अब आप धीरे धीरे वन हैंड यूज करेंगे, और फिर धीरे धीरे दूसरा भी यूज करेंगे। तो मैं आपको एक बार वन हैंड वाला दिखाता हूँ। मैंने आपको दोनों साइड से दिखाया, लेफ्ट राइट। आप जिस भी साइड से कंफर्टेबल हैं उस साइड से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब वन हैंड के बाद अल्टरनेट हैंड्स लाएंगे। अभी हम दोनों एक साथ नहीं ला रहे हैं। वन टू, अब मैं आपको दिखाता हूं करके। तो पहले आपने देखा कि मैंने लेफ्ट लाया, फिर राइट लाया और लेग को आगे निकाल लिया। तो लेफ्ट लेग हैंड, लेफ्ट थ्रो हैंड। सो अब अल्टरनेट हैंड्स कर लिए। अब दोनों हाथ को एक साथ लाना है, और ये अब आसान है क्योंकि आपका जो एक फेयर था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो अब दोनों हाथ एक साथ लाते हैं। आपने देखा कि अब मैं दोनों हाथ एक साथ ला रहा हूँ। इसमें अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको शेयर करना है अभी, कि जब आप हैंड रखते हैं और जब आपका नी अब ऊपर जाएगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में अब आप नी को ऊपर लेके जाएंगे, सो दैट कि जब आप हैंड यहाँ पे रखते हैं और नी ऊपर जाते हैं तो ये पूरा स्ट्रेच होता है। इस पार्ट को आप स्ट्रेच लेते हो, इससे जब आप पुश करते हैं तो एक अच्छा डिस्टेंस आप कवर कर पाएंगे, और जो एक वेव बनता है वो बहुत ही स्मूथ दिखेगा। तो इसका मतलब है कि नी को जब आप ऊपर ले जाते हो तो ये वेव आपको धीरे धीरे फील करना है, लाइक दिस। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपको नी को ऊपर लाना है, सो दैट कि आप जब आप थ्रो करेंगे तो डिस्टेंस अच्छे से ले पाएंगे, लैंडिंग के लिए इनफ टाइम होगा आपके पास, और हैंड पे काफ़ी प्रेशर कम पड़ेगा। तो अब उसके लिए हम लोगों ने जो एक ड्रिल शेयर किया था आप लोगों से पहले, कि आप इस पोजीशन में जाके थ्रो करते हैं, इट मीन्स नी का पोजीशन अब ऊपर की तरफ आता है। अब उसको कैसे यूज करते हैं यहाँ पे देखते हैं। आपने देखा कि इसमें मैं नी को आगे की तरफ ले गया और लेग को फिर मैं थ्रो किया। जब आप लेग को थ्रो या शूट करते हैं तो अगर नी ऊपर होगा तभी आप अच्छे से उसको थ्रो कर पाएंगे और एक अच्छा इनफ डिस्टेंस ले पाएंगे, और आपके हैंड के लिए वो काफ़ी कंफर्टेबल होगा। अदरवाइज हैंड पे बहुत ज़्यादा जर्क भी आ सकता है। तो अब आप कोशिश करेंगे कि नी को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएं। अभी आपने देखा, हम लोगों ने डैश वोल्ट का आपको वीडियो शेयर किया, हमने बताया कि डैश वोल्ट कैसे करते हैं। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब के अलावा हम लोग सारे इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.वानरशाला.com पे भी आप विज़िट कर सकते हैं।